फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम टिप्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए हमने एक नया चैप्टर लिया है अपना एवरेज। ठीक है, जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन की स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स की थी, इसमें भी हम ऐसी ट्रिक्स करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, मैंने लिखा है संख्या है, ठीक है ना, जो हमारे डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको हम किस किस बेस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या, इवन नंबर, विषम, ओड नंबर, गुणज, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन, जो मल्टीपल्स होते हैं वो लिया है मैंने। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3। अगर सबसे छोटा स्मॉल नेचुरल नंबर पूछे तो होता है 1। प्राकृतिक में और पूर्ण में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो पूर्ण जो होती है, आप ये देख लीजिए, होल, होल मतलब इंग्लिश में याद रख लीजिए, कुछ कुछ चीजें जो होती है ना इंग्लिश में इजिली समझ में आती है। पूर्ण मतलब संपूर्ण, या पूर्ण आपको समझ लिया पूरा, ठीक है ना। होल, होल मतलब गोल होता है, वो तो जीरो से स्टार्ट होता है। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप भूलोगे भी नहीं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है ना, सम संख्या, सम जो हमारी दो से डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। और विषम क्या होती है, जो दो से डिवाइड नहीं होती है, बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, और गुणज जो होता है, किसी भी संख्या का, मैंने यहाँ पे 7 कर लिया, 7, 14, 21, 2 का लगे तो 2, 4, 6, 7 सम संख्या भी कह सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं थी। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे पहले तो आप बोलो कि सम एवरेज है, एवरेज मतलब योग, तो अब 1, 2, 3 है, तो इन सबका सम कर दो तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। नहीं, तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पे क्या है, 1, 2, 5, 4 का औसत ज्ञात करिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, अब मैंने ऊपर लिखा है वहां पे फॉर्मूले में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इन सबका सम के लिए है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया सारी संख्याओं का योग। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिखा है, वैसे आई होप आपको पता भी होगा, है ना। तो चलिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए है, मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ, क्योंकि अब जब बेसिक नहीं बनेगा तो फिर क्या स्टैंडर्ड आप समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिक है ये बिल्कुल, ठीक है, फॉर्मूला ही है हल्का सा। तो फिर आप वो देखिए क्या है, संख्याओं का, सारी संख्याओं का योग है, मैंने सिंपल इमेज यूज किया, और फिर क्या है, डिवाइड क्या है, भाग किसे दिया है, जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, कितनी संख्या है, हमने यहाँ पे 4 ली है, तो 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से, और ऊपर क्या लिया है, इनका सम लिया है, जो कितना आता है, 12 आता है, और नीचे क्या है, 4, तो कट जाता है, 3 आ जाता है, तो जो एवरेज आया है वो कितना आया, 3 आया है। ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो कि डायरेक्ट हम निकालना सीखेंगे, बहुत 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 बड़ी बड़ी संख्याओं तक का। जैसे अगर मैं बोल दूँ आपसे सारी नहीं, 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल के बताइए, इस तरीके से हम जो डायरेक्ट ट्रिक्स हैं और हमारे फॉर्मूला बेस्ड है ना, तो सारे के सारे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने बताया। चलिए फिर भी एक बार बता देती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो भी मेरा एग्जांपल लिया है, 1, 2, 5, 4, ठीक है, का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो अब सारी संख्याओं का सम करना है आपने, सिंपल लैंग्वेज में बता दो, सारी का सम करना है, और जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दो, जैसे 1, 2, 3, 4 है यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड कर दे, तो और बाकी आपने सॉल्व किया, 12 को 4 से काटा तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो जो आपको फॉर्मूला याद करना है वो होगा हमारा सम ऑफ द होल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है यहाँ पर, ये जो एवरेज की डेफिनेशन थी और जो नंबर्स थे वो मुझको आपको बताना था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे के जो एग्जांपल्स हैं और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे हम करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस प्लीज़। मैं बहुत मेहनत कर से आपको कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की।